सभी दोस्तों का MTC ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% पर एनम है, तो सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देते हैं। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल एंड सी की कैपिटल। ए की कैपिटल 2 लाख, बी की कैपिटल 2 लाख और सी की कैपिटल 80,000 है, जिस पे 10% इंटरेस्ट देना है। तो 2 लाख का 10% हो जाएगा 20,000, फिर बी का भी 2 लाख तो उसका 10% हो जाएगा 20,000, और सी का है 80,000 तो उसका हो जाएगा 8,000, 10% है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 48,000 रुपये। इसके अलावा बी है वो वर्किंग का पार्टनर था, जिसको 6,000 रुपये पर क्वार्टर सैलरी भी दी जाती है। तो 2B सैलरी 6,000 पर क्वार्टर है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होंगे, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 24,000 उसकी सैलरी हो जाएगी। इसके अलावा जो प्रॉफिट होगा उसको 60,000 रुपये को तो उसके कैपिटल रेशो में बांटना है, मतलब फर्स्ट 60,000 रुपये जो प्रॉफिट होगा उनको कैपिटल का रेशो है 2 लाख, 2 लाख और 80,000 जो इनकी कैपिटल है उसके रेशो में। तो इसका रेशो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 पे 5, 5 और ये आ जाएगा हमारा 2, तो ये 5, 5, 2 इनका रेशो हो जाएगा, मतलब 60,000 रुपये को 5, 5, 2 में बांट देंगे। नेक्स्ट जो 1 लाख रुपये है प्रॉफिट का, उसको 4, 3, 1 के रेशो में बांटना है। अगर कुछ रिमेनिंग रहेगा तो उसको इक्वली बांटना है, ये इन्होंने क्या रखा है। इसके अलावा जो प्रॉफिट है फर्म का वो 2,80,000 है, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में, 2,80,000 बाय प्रॉफिट है। इसके अलावा एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो उसका सम टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का सम टोटल आ गया 2,80,000, और जो डेबिट वाली साइड है उसका सम टोटल आएगा 72,072 रुपये, 48 और 24, 72,000। तो 72,000 हमारा क्रेडिट वाली डेबिट वाली साइड का जोड़ है, जो कि क्रेडिट वाली साइड से कितना कम है, 2,08,000 रुपये कम है। तो जो कम है वो ही इनका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 2,08,000 रुपये। टोटल 2,80,000 इक्वल हो गया। अब 2,08,000 रुपये इसका फर्म का प्रॉफिट हुआ है, तो 2,08,000 रुपये को हमें बांटना किस तरह है, पहले 60,000, फिर 1 लाख, फिर जो बचेगा रिमेनिंग उसको। तो पहले 60,000 रुपये को अगर बांटे 2,08,000 रुपये में, तो उसको 5, 5, 2 के रेशो में बांटना है। जब 60,000 रुपये को 5, 5, 2 के रेशो में बांटोगे तो 5/2 ये कट ऑफ हो जाएगा, ये आ जाएगा इसके 25,000, इसके आ जाएंगे 25,000 और इसके आ जाएंगे 10,000। और नेक्स्ट 1 लाख रुपए को 4, 3, 1 के रेशो में बांटोगे, तो ये हमारा 4, 3, 1 के रेशो के अकॉर्डिंग अगर करते हैं 1 लाख रुपए को, तो ये हमारा आ जाएगा 12,500, इसका आ जाएगा 37,500, इसका आ जाएगा और 50,000 रुपये इसका प्रॉफिट आ जाएगा। एक का मीन्स एक इसके अलावा जो रिमेनिंग बचा, तो रिमेनिंग हमारा टोटल 2,08,000 था, जिसमें से 60,000 और 1 लाख, हमने 1,60,000 रुपये बांट दिया, तो 2,08,000 रुपये में से 1,60,000 जब लेस करते हैं तो ये हमारा बच जाएगा 48,000। 48,000 को जब इक्वल इक्वल बांटेंगे, 16,000, 16,000 और 16,000, इन सब से हमें पता चलता है कि ए का जो प्रॉफिट है वो 25,000, 50,000 और 16,000, ये टोटल इसका ए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 25,
50, 75,000, 75 और 16,000, टोटल इनका प्रॉफिट हो जाएगा 91,000, 91,000 रुपये। बी का 25,000, 37,500 और 16,000 रुपये को जब टोटल करते हैं तो बी का प्रॉफिट हो जाएगा 78,500। इसी तरह जो सी का है वो हो जाएगा 10,000 रुपये और 12,500, तो 22,500, 22,500 और 16,000 रुपये जो प्रॉफिट है वो टोटल हो जाएगा 38,500 रुपये प्रॉफिट है। तो ये इनका प्रॉफिट हो जाएगा टोटल। ए का 91,000, बी का 78,500 और सी का 38,500। तो ये प्रॉफिट इनका लिख लेते हैं, ए बी एंड सी का 91,000, 78,500, 38,500। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी आर पार्टनर है, 1 अप्रैल 2010 को वो पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं। उनकी कैपिटल है 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख है। 1 जुलाई 2010 को बी ने फर्म को 2 लाख रुपए और 1 दिसंबर 2010 को सी ने फर्म को 1 लाख रुपए बाय वे ऑफ लोन के रूप में दे रखा है। प्रॉफिट है फर्म का वो 7,70,000 है। और इसके अलावा पार्टनर कुड नॉट एग्री, पार्टनर ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोन के लिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए। हमें प्रिपेयर करना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और इंटरेस्ट और लोन के लिए कुछ नहीं कह रखा होता, तो उस टाइम इंटरेस्ट और लोन 6% पर एनम की रेट से चार्ज होता है। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है वो पार्टनर का इक्वल होता है। तो हमें क्या करना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तैयार करना और पार्टनर का लोन अकाउंट तैयार करना है। तो इनसे पहले हमें पार्टनर का जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट का बैलेंस दे रखा है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, और हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। ए बी सी पार्टनर है तो तीनों का ए बी एंड सी का इसी तरह। ए बी सी का ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसके अलावा पार्टनर लोन अकाउंट भी तैयार करना है। सेम पार्टनर कैपिटल अकाउंट की तरह फॉर्मेट बना लेते हैं। और सी ने ही लोन दे रखा है तो बी और सी का ही केवल लोन अकाउंट बनेगा। तो बी का जो लोन है वो कितना है, 2 लाख रुपए, और सी का जो लोन है 1 लाख रुपए है। इनकी कैपिटल है, जो कैपिटल लिख लेते हैं बाय, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है नया, तो बाय कैश 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख। ये उनकी कैपिटल लिख दी। इसके अलावा लोन है वो है 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए बाय बैलेंस, बीडी। दो लाख और 1 लाख रुपए। और जो प्रॉफिट है वो बाय प्रॉफिट है वो 7,70,000 रुपए है। इस 7,70,000 में इंटरेस्ट और लोन है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से नहीं कट होके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कट ऑफ होता है। तो हम जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसी में से प्रॉफिट में से डायरेक्ट माइनस करते हैं यहीं पे इंटरेस्ट और लोन, पार्टनर इंटरेस्ट और लोन। तो इंटरेस्ट और लोन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इंटरेस्ट और लोन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या गिवन है कि बी ने 1 जुलाई को लोन दिया है 2 लाख रुपए का, और सी ने जो लोन दिया है वो कब दिया है, 1 दिसंबर को।
खाते 31 मार्च को क्लोज होते हैं, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक मंथ कैलकुलेट करेंगे तो 9 मंथ हो गए हमारे टोटल। ये हमारे कितने हो गए, 9 मंथ है। और इसके अलावा सी का है, वो 1 दिसंबर को उसने लोन दिया है, तो इसके 4 मंथ हो जाएंगे। तो हम 2 लाख पे 6% की रेट से और 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करें तो वो हमारा आएगा, वर्किंग में यहीं पे लिख देता हूँ वो वर्किंग नोट, ये सारा वर्किंग नोट था। 2 लाख का 6% की रेट से और 9 मंथ का कट ऑफ हो जाएंगे, तो इसका आ जाएगा 9,000 रुपये। और सी का 1 लाख का 6% की रेट से और 4 मंथ का 2,000 रुपये इसका आ जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा दोनों का 11,000 रुपये, 9,000 रुपये और 2,000 रुपये, टोटल 11,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा, जिसे पार्टनर के प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे और जो बचेगा वो प्रॉफिट पार्टनर में बांट देंगे। तो 7,70,000 रुपये में जब हम 11,000 रुपये माइनस करेंगे तो 7,59,000 ही हमारा प्रॉफिट बच जाएगा। इसको जब हम इस साइड हमें अनदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो यही हमारा प्रॉफिट रिमेनिंग बच जाएगा। और इनका कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा, तो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2,53,000, 2,53,000 और 2,53,000 इनका प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि जब हम 7,59,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली 1:1:1 के रेशो में, तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे, तो इसमें जो आइटम है, जो भी प्रॉफिट आया है, ओनली और अदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो प्रॉफिट हो जाएगा 2,53,000, 2,53,000, 2,53,000। तो इसका सम टोटल हो जाएगा 12,53,000, 10,53,000, 7,53,000। ये इनका क्रेडिट बैलेंस देंगे। बारह लाख तिरपन हजार, 10,53,000, 7,53,000। ये पार्टनर का हमारा कैपिटल अकाउंट तैयार हो गया। हमें पार्टनर लोन अकाउंट भी तैयार करना है, तो लोन अकाउंट में 2 लाख और 1 लाख तो इनका लोन गिवन था। इसके अलावा इस पे जो इंटरेस्ट मिला बाय इंटरेस्ट और लोन, वो भी यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। ए को 9,000 रुपये लोन में इंटरेस्ट मिला था और बी को 2,000 रुपये इंटरेस्ट और लोन मिला था। टोटल 2 लाख है, 9,000 रुपये ए का और 1,02,000 रुपये बी सी का हो जाएगा। तो टू बैलेंस है, 2,09,000 रुपये और 1,02,000 रुपये। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है, लता और ममता पार्टनर है जिनके कैपिटल है 3 लाख 2 लाख है। इसके अलावा लता का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 70% और ममता का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 30% है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने प्रॉफिट कमाया 2,26,640 रुपये का, और जो प्रॉफिट अमाउंट 16,000 रुपये है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% है। लता को सैलरी देनी है 2,500 रुपये पर मंथ है। इंटरेस्ट ऑन ममता लोन है वो 80,000 रुपये फॉर द होल ईयर।
इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 8% पर ही, वो 36,000 रुपये और ममता की 48,000 रुपये है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो उसके बेस पे हम कैसे पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, कैसे हमें उनका जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करते हैं, इसके अलावा पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं, लता और ममता दो ही है तो दोनों का ही कैपिटल अकाउंट तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले उनकी कैपिटल लिख लेते हैं, बाय बैलेंस जो कि 3 लाख और 2 लाख रुपए है। इसके अलावा प्रॉफिट है वो 2,26,440 है, वो लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, टू रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है टू जनरल रिजर्व में, हो जाएगा 16,000 रुपये। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लता और ममता की कैपिटल पे, लता की 3 लाख है, ममता की 2 लाख है, तो 3 लाख का 7% 21,000, 2 लाख का 7% 14,000, टोटल 35,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। लता को सैलरी प्राप्त होती है, टू लता सैलरी 2,500 रुपये पर मंथ है, तो साल की हो जाएगी 30,000 रुपये। इसके अलावा जो इंटरेस्ट ऑन ममता लोन है वो है 80,000 फॉर द होल ईयर के लिए, इंटरेस्ट जो ममता के जो लोन का है, इंटरेस्ट ऑन जो ममता लोन है वो होल ईयर का 80,000 पे कैलकुलेट करना है। 80,000 टोटल लोन है तो उसका पूरे साल का इंटरेस्ट और लोन है, रेट नहीं दे रखी तो 6% की रेट से चार्ज हो जाएगा जो कि 4,800 रुपये हो जाएगा। तो हम इसी प्रॉफिट में से माइनस करके लिख देते हैं 2,26,440 में से इंटरेस्ट ऑन लोन। जब 2,26,440 में से 4,800 हम माइनस करते हैं तो 2,21,640 रुपये हमारा बैलेंस प्रॉफिट बच जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो पार्टनर की 8% है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लता और ममता, लता की ड्रॉइंग है 36,000 रुपये, उसका 8% कैलकुलेट करते हैं 2,880 रुपये पूरे साल का है, कोई टाइम नहीं दे रखा तो 6 मंथ का होगा 1,440 रुपये। इसी ममता का है वो है 48,000 रुपये ड्रॉइंग, उसका 8% पूरे 3,840 रुपये पूरे साल का होता है, 6 मंथ का करेंगे तो वो हो जाएगा 1,920 रुपये, जो कि टोटल हो जाएगा हमारा 3,360 रुपये। तो इस तरह 3,360 और अदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो हम यहीं पे इनका सम टोटल कर लेते हैं, 3,360 और 2,21,640 रुपये, 2,25,000 रुपये हो जाएगा इस साइड का, क्रेडिट वाली साइड का जोड़, जो क्रेडिट वाली साइड है वो डेबिट वाली साइड से ज़्यादा है तो टू प्रॉफिट आ जाएगा। कितनी ज़्यादा है ये है 16,000, 35,000 और 30,000 को जब ऐड करते हैं तो 65,000 प्लस 16,000 तो 81,000 रुपये हो जाते हैं इनका सम टोटल, जो कि 2,25,000 में से अगर हम माइनस करते हैं
तो 1,44,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको लता और ममता का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 70:3, मतलब 7:3 के रेशो में बांटना है। तो डिवाइड कर लेते हैं इसको 7:3 के रेशो में जब बांटते हैं, तो लता का जो प्रॉफिट आता है वो 1,08,00 रुपये आता है, ममता का जो प्रॉफिट आता है वो 43,200 रुपये आता है। तो इस तरह हमारा हमारा प्रॉफिट और लॉस है, प्रोफेशनल अकाउंट तैयार हो गया। अब हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार करना है, तो जो बैलेंस है वो ट्रांसफर कर देते हैं। जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं होता, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर हो जाएगा 21,000, 14,000 बाय सैलरी, लता को ही मिलती है केवल 30,000 रुपये, बाय प्रॉफिट 1,08,00 रुपये, 43,200 रुपये, और टू ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग ड्रॉइंग है वो लता की थी 36,000 रुपये, ममता की थी 48,000 रुपये, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो 1,440 रुपये और 1,920 रुपये। ये हमारा इनका बैलेंस टोटल आ गया। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, तो इसको छोड़ देते हैं। अब इनका सम टोटल करते हैं। जब हम 36,00,000 रुपये, 21,000 रुपये और 30,000 रुपये और 1,08,000 का सम टोटल करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 4,51,800 रुपये। 4,51,800 में से जब 36,000 रुपये और 1,440 रुपये माइनस करते हैं, तो हमारा बैलेंस 4,00,000, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 4,14,360 रुपये। इसी तरह ममता का जब 2,14,000 रुपये और 43,200 का हम टोटल करते हैं, 2,57,200, उसमें से जब 48,000 रुपये और 1,920 रुपये जब माइनस करते हैं ये वाले दोनों, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 2,07,280 रुपये। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है, 10 नंबर क्वेश्चन।